हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। आज के इस वीडियो में नया क्या है, खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको दिखाता हूं। ये ईआरपी 9 है तो यहां कुछ चीजों को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें पास करनी है एंट्री डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की, तो उसे हमें एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की प्रेस करनी है, यहां पर रहते हुए वहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं हूं तो यहां से मैं अगर F11 प्रेस कर लेता हूं और यहां से चला जाता हूं अकाउंटिंग फीचर में, तो आप देख सकते हैं यहां इनवॉइसिंग फीचर के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसी में एक है यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो इसको यस कर दिया। और बाकी ये दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड और फिर ये दिया हुआ है रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, तो इन दोनों को भी यस कर दिया है। ठीक है, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम परचेज की बात करेंगे तो यहां से वी प्रेस करके आ जाएंगे। अभी ये डेबिट नोट में है हम, लेकिन हमें जाना है परचेज वाउचर में, तो आप कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या साइड में ये जो पट्टी सी बनी हुई है यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर 123 कर देते हैं और यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा। तो यहां पर रितेश होलसेलर, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसी का लेजर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां से परचेज अकाउंट का लेजर आएगा और फिर हम पल्स की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पल्स की बात करेंगे हम। तो ये 40 किलो पल्स हम परचेज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये परचेस कर लिया हमने और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देंगे, तो ये सीजीएसटी हो गया, दूसरा एसजीएसटी हो गया, दोनों ही हो गया। अब यहाँ पर चाहे तो नरेशन डाल दीजिए, फिलहाल स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सेप्ट करा लिया, यानी हमने परचेस कर लिया। लेकिन अगर किसी कारणवश हमने जो परचेस किया, देखिए हमने जो परचेस किया वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लास्ट वाला बिल है, ये देखिए यही हमारी एंट्री है। अगर प्रिंट देना चाहते हैं अल्ट पी करके प्रिंट भी दे सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट कैसा आएगा। ठीक है, अल्ट पी करिए, एक मिनट, यहां से अल्ट पी करिएगा और यहां से विद प्रीव्यू कर दीजिएगा, तो बस एंटर करिएगा तो आपको ये बिल दिखाई पड़ेगा कि ये बिल किस तरीके से जनरेट हुआ है। देख सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी और सारी डिटेल पूरी आपको दिखाई दे रही है। 40 किलो पल्स हमने परचेस किया, 10 किलो पहले से था, यानी कुल मिलाकर के 50 किलो होना चाहिए। अगर ये देखना है कि कितना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक समरी पर, यहाँ से जाकर के एस प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि 50 किलो कुल मौजूद है, 100 रुपए के रेट से परचेस किया गया है, यानी जब भी हम बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, यानी 100 रुपए से ज्यादा का बेचेंगे ताकि हमको प्रॉफिट हो। ठीक है, अभी बात यहाँ पर आके फंस जाती है कि इसमें से दाल जो है आई है तो कुछ दाल खराब है, यानी कि दाल खरीदी गई है उसमें कुछ खराबी है, कुछ दिक्कत है, तो हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो अभी परचेस किया गया, तो परचेस किया गया तो फिर परचेस रिटर्न में एंट्री पास होती है। ठीक है, तो यहां से जाएंगे वाउचर पर और यहां से वी प्रेस कर देंगे, तो अभी हम परचेस में है लेकिन हमें जाना है परचेस रिटर्न में। परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट, तो आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है, आप आ जाएंगे परचेज रिटर्न में। यहां पर अगर आपको इनवॉइस नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ कोई भी इनवॉइस नंबर डाल करके आगे बढ़िए। ठीक है, डेट डाल दीजिए जिस डेट पे ये परचेज रिटर्न हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं डेट चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर क्या करूंगा, 2/4/2022 डाल दूंगा। ये देखिए डेट चेंज कर दिया हमने, लेकिन अभी यहां पर तो डेट आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है लेकिन यहां पर नहीं चेंज हुई है, तो आप टाइप कर दीजिए 2/4/2022, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगी। अब यहां पर कौन से पार्टी का लेजर आएगा, डेबिट नोट में कौन से पार्टी का यहाँ पे लेजर आएगा, ये हमें सोचना है। ठीक है, यहां पर हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, तो ये पार्टी अकाउंट नेम में क्रेडिटर पार्टी आ गई, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहां पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट कर देंगे, ये कर दिया। अब यहां पे पल्स की बात करेंगे तो कुल 50 किलो है। ठीक है, यहां पर अगर 40 किलो रिटर्न हो जाता है, ध्यान दीजिएगा 100 रुपए किलो के भाव से गया था, 100 रुपए किलो के भाव से रिटर्न हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर अब सीजीएसटी एसजीएसटी की बात कर लेंगे, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी लगा करके मैंने नहीं दिखाया था, तो ये देखिए सीजीएसटी भी लग गया और एसजीएसटी भी लग गया, जितना रिटर्न हुआ उसके हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगा दिया गया। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, सारा काम हो गया। अब ये रिटर्न वाले बिल जो है हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, तो ये देखिए ये डेबिट नोट का बिल है, अल्ट पी करके और इसका प्रिंट आउट आप देख सकते हैं, ये आपका प्रिंट आउट है, 40 किलो रिटर्न हुआ है ड्यू टू बैड क्वालिटी। ठीक है, तो यहां पर किनको रिटर्न गया है, इनको रिटर्न गया है। ठीक है, पार्टी को,
तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि रिटर्न कैसे जा रहा है। अब देख लेते हैं कितना बच गया हमारे पास। ठीक है, टैली बिजनेस के पर्पस से यूज होता है, ये तो आपको पता है ही। तो यहां पर देख लेते हैं कितना बच गया। तो ये स्टॉक समरी में जाएंगे और एस प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही एस प्रेस करेंगे तो अभी आपको कितना दिखाई दे रहा है, स्टॉक समरी दिखाई दे रहा है केवल सिर्फ 10 किलो, केवल 10 किलो दिखाई दे रहा है। यानी कि 50 किलो था, 40 किलो रिटर्न कर दिया तो 10 ही किलो तो बचा हमारे पास। कितना बचेगा, 10 ही किलो तो बचेगा। तो जो बचा हुआ है वही यहां पे दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि जीएसटी के साथ कैसे परचेज रिटर्न करेंगे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।